दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही होगी। यानी मार्केट आजकल आसानी से एक ही दिन में 400 से 500 पॉइंट तक मूव कर जाता है। और अगर आप ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या करने की सोच रहे हो, तो रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाती है। वैसे तो रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का एक बेसिक रूल है, लेकिन वोलेटाइल मार्केट में इस रूल को फॉलो करना और भी ज़रूरी हो जाता है। देखिए, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो आप कितना ही अच्छा एनालिसिस करते हो, एट द एंड आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। तो मतलब ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होती है, तो लॉस की भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट में क्या करना है, आपको उस लॉस को कम से कम रखना होता है और लॉस को मैनेज करना होता है, जिससे आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहें। तो आपको इतना ही रिस्क लेना है जितना आप झेल सको, और ट्रेड्स लेने के लिए आपके पास कैपिटल बची रहे, क्योंकि लॉस की प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में हमेशा रहती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है। यानी कि आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट ट्रेड लेने से पहले क्लियर होना चाहिए कि आप एक ट्रेड में इतना प्रॉफिट कमाने के लिए इतना रिस्क लेना चाहते हैं। और ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में रिवॉर्ड यानी प्रॉफिट का रेशो रिस्क से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल 1:1.5 या 1:2। लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहने के लिए ट्रेडर्स को इस सिस्टम को फॉलो करना होता है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सेबी के न्यू मार्जिन रूल्स की वजह से अब ट्रेडर्स को फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए हाई मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, और FNO ट्रेडर्स ने अब ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे बिगिनर्स ट्रेडर्स को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऑप्शन एक लेवरेज प्रोडक्ट है। इसलिए ज्यादातर बिगिनर्स ट्रेडर्स इसमें रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं और कुछ ही टाइम में टोटल कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग इज नॉट अ क्विक रिच स्कीम, ट्रेडिंग इज अ स्किल जिसे आप प्रैक्टिस के साथ डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए डेवलप करते हो। एज बिगिनर ट्रेडर आप FNO प्ले ऐप का यूज कर सकते हैं। FNO प्ले एक ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो नए ट्रेडर्स को स्मॉल वैल्यू ट्रेड्स के साथ मार्केट को सीखने में हेल्प करता है। ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग 50 to 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए रिस्क मैनेज करता है और आप इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर कि इसमें आपका मैंडेटरी स्टॉप लॉस लेवल होता है, यानी कि स्टॉप लॉस के बिना आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, जिससे आपको ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करने में आसानी होगी। इस ऐप में सिर्फ ऑप्शन बाइंग की जाती है, इसलिए आपको फ्यूचर्स की तरह हाई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और इसमें ऑप्शन सेलिंग नहीं है, यानी आप अनलिमिटेड रिस्क से बचे रहेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग करना इस ऐप में इजी है। ये ऑटोमेटिकली आपके लिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन चूज कर देगा बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट अमाउंट, डायरेक्शन सेलेक्टेड, करंट स्पॉट प्राइस एंड टाइम डिके। सो आपको इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सी एक्सपायरी चूज करें, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करें, ऑप्शन को बाई करना है, सेल एटसेट्रा। इस ऐप का एक और इंटरेस्टिंग फीचर है कि आपसे ब्रोकरेज तभी चार्ज करेगा जब आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको लॉस होता है तो आपसे जीरो ब्रोकरेज चार्ज किया जाएगा। इसमें अकाउंट ओपनिंग फ्री है और आपके कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगते हैं। और आप इसमें अकाउंट ओपन करने से पहले या बाद में 24/7 डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लाइव मार्केट आवर्स में या फिर मार्केट क्लोज होने के बाद ओल्ड प्राइसेस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको रियल अमाउंट यूज करने से पहले एक्सपीरियंस हो जाए कि किस तरह से प्लेटफॉर्म काम करता है और आपको कैसे ट्रेड करना है। इसमें आपको कैंडलस्टिक चार्ट भी मिलते हैं, जिसमें आप पैटर्न्स के बेस पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो। दोस्तों, ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। इसलिए पहले आप इसके बारे में नॉलेज एक्वायर करें कि किस तरह से चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब चलिए क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप करेंसी, इंडाइसीज या स्टॉक्स किस में ट्रेड करना चाहते हैं। मैं चूज कर रहा हूँ बैंक निफ्टी, जिससे कि मैं सिर्फ ₹500 से शुरुआत कर सकता हूँ। जैसे ही आप कोई इंस्ट्रूमेंट पिक करेंगे, फिर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप कितने अमाउंट से ट्रेड करना चाहते हैं। अमाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको आपके एनालिसिस के हिसाब से प्रिडिक्ट करना है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। आप इसमें फॉलो द ट्रेंड फीचर का भी यूज कर सकते हैं, जो आपका ट्रेड ट्रेंडिंग डायरेक्शन में डाल देगा, यानी कि जिस डायरेक्शन को मेजोरिटी ट्रेडर्स ने चूज किया है। तो ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद उसकी सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपको राइट साइड में अलग अलग चार्जेस भी देखने को मिलेंगे, जैसे सेबी फीस, स्टैम्प चार्ज, एक्सचेंज फीस एंड ब्रोकरेज। और उसके नीचे ये आपको ऑटो स्टॉप लेवल शो करेगा।
तो सबमिट पे क्लिक करते ही आपका ट्रेड एक्टिव हो जाएगा और आपको लाइव इसमें सारी डिटेल्स दिखेंगी विद ब्रोकरेज। आप किसी भी टाइम ट्रेड को स्टॉप कर सकते हैं या फिर जैसे ही आपका टारगेट या स्टॉप लॉस जो सेट है उसमें प्राइस हिट करेगा आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों पहले आप इसके डेमो ट्रेड में अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि बिगिनर्स के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो पहले आप अपनी स्किल्स को इंक्रीज करिए और फिर स्ट्रेटेजी बनाकर ट्रेडिंग करिए। तो इस ऐप का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।